हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मौसम देखिए बढ़िया हो गया, पहले गर्मी थी बहुत। मोम के कलर ला के दूंगा अभी, पहले पेंसिल कलर से बना ला ड्राइंग, मोम के कलर ला के दूंगा अभी, किताब भी दूंगा देख के भाई। तो मौसम की बात कर रहे थे, मौसम हो गया बढ़िया ठंडा, और ऐसे मौसम में साग मट्ठा मक्खन रोटी क्या कहने, टेस्ट लाजवाब होता है। तो इस मौसम में पालक का तो शायद अभी नहीं मिलेगा साग, लेकिन अरवी के पत्ते लेने जाऊंगा, अरवी के पत्तों का भी साग हमारे यहाँ बनता है बहुत बढ़िया। और खेत में जाऊंगा, किसी के खेत से ताज़े अरवी के पत्ते लाने हैं, और मैं आ गया हूँ खेत में, यहाँ से ताज़े अरवी के पत्ते लेकर जाऊँगा मैं साग बनवाने के लिए। लो उठा लिए ये आ गए अरवी के पत्ते, और इनका बनाएंगे हम साग। थोड़े से इसमें पालक भी मिलाना पड़ेगा, इसमें चाहे पालक या इसके लाल फूल के पत्ते, लाल फूल भी यहाँ ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ बेचारा खड़ा बढ़िया कच्चे कच्चे, अब कौन जाओगा फिर लाल फूल लेने, पालक ही ले आओगे बाजार से। भाई साहब कह दो आधे किलो पालक, पापा जी आप भी बताओ। मोम वाले कलर अभी ला के दूंगा, बस नंदनी चला रही देखो। अरे कान पे तो धर रही है, कान पे धर गए ऐसे पेन को। ओहो वो फेंक दिया भाई, यू कह रहा कान में फंस जाएगा यो। कान पे तो धर ही करे। अरे नंदनी क्या कर रही, नंदनी तो ट्रैक्टर चला रही क्या, मोम के कलर आ गए। बहुत परेशान था मोम के कलर के लिए। आहा, क्या बनाओगे अब जब कलर से? ड्राइंग। वेरी गुड। नहीं मोम के कलर लाए, पेंसिल कलर नहीं लाए। ड्राइंग शीट कहाँ है आपकी है भाई? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, भगवान सभी भाइयों और बहनों को लंबी उम्र दे। आप सभी भाइयों और उनकी बहनों का प्रेम आपस में ऐसा ही बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम अरविंद पाल ब्लॉग्स की तरफ से, मैं अरविंद और प्रीति, आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक सरप्राइज जो प्रीति के बर्थडे का है, प्रीति का बर्थडे था 13 अगस्त का, और 7 अगस्त से 12 अगस्त तक एक सेल चली थी फ्लिपकार्ट पे, उस पर मैंने प्रीति के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, और गिफ्ट तो टाइमली डिलीवर हो गया था, लेकिन मैं ही थोड़ा देर से आया हूँ घर पे, प्रीति के बर्थडे के टाइम में आना ही था। तो वो सरप्राइज आप सबको और प्रीति को दिखाना अभी बाकी है, डिलीवर हो गया है। वैसे उसकी जो पैकिंग है, उसका बॉक्स है, वो देख कर तो प्रीति जान तो गई होगी कि क्या आया उसमें, क्योंकि वो बॉक्स जो है एक फ़ोन का है। जी हाँ, प्रीति के पास फ़ोन नहीं था, हमारी शादी को 4.5 साल हो गए, अब तक मैंने प्रीति को फ़ोन नहीं दिलवाया था। प्रीति का ये पहला फ़ोन है, और कौन सा फ़ोन है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। करिए अनबॉक्सिंग। प्रीति बहुत खुश है अपना नया फ़ोन पाके। तो देखिए कौन सा फ़ोन लिया है प्रीति के लिए, मोटो G60 लिया है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है प्रीति के। जरूरत थी इस टाइम, अब फ़ोन की ज़रूरत भी बहुत थी, क्योंकि अब से पहले जो 4.5 साल हमारे शादी के हैं बीत गए, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बाहर रहता था, और प्रीति को जब भी फ़ोन करना होता था तो घर पे हमारे 3 फ़ोन हैं, सुनील भैया का, बबली भाभी का, और चाचा जी का एक फ़ोन है, उनसे बात हो जाती थी। लेकिन जब से प्रीति ने बीएड में एडमिशन लिया है, तो कई सारे काम जो हैं अधूरे थे। एक तो कभी कभी अगर क्लास में नहीं जाना होता था, तो अपने क्लासमेट से फ़ोन और व्हाट्सएप के द्वारा पता चल जाता है कि आज क्लास में क्या कराया है, उससे काम कंप्लीट हो जाता था। दूसरी बात, लेसन प्लान वगैरह या फाइल वगैरह बनाने में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यूट्यूब पर देख लेते हैं, उसमें भी ज़रूरत थी। और तीसरी बात, प्रीति का एक एग्ज़ाम भी आ रहा है
पीईटी का, उसकी तैयारी के लिए भी प्रीति को फ़ोन चाहिए था। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हुई है तो कई सारे कामों में अब ज़रूरत पड़ रही थी फ़ोन की, तो प्रीति के लिए मैंने एक फ़ोन बुक किया है। फ़ोन बिल्कुल अपने फ़ोन की कीमत का ही है जितने जी हाँ, प्रीति के लिए मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद ये फ़ोन देखा है। इस फ़ोन की कीमत और फीचर्स सारे मेरे फ़ोन के बराबर ही हैं, कम नहीं है कुछ भी। एक आध चीज़ कम हो सके, कुछ ज़्यादा भी है, एक आधा फंक्शन कम है तो एक आध ज़्यादा भी है। क्या क्या है इसमें कि इसका सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, जबकि मेरे वाले फ़ोन का जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ उसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। प्रीति की सेल्फी डबल क्लियर आएगी मेरे वाले से। दूसरी बात, बैक कैमरा मेरे वाले का 64 मेगापिक्सल है और प्रीति के फ़ोन का 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो बैक कैमरा भी बेटर है। रही बात मेमोरी की, मेरे फ़ोन की 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी है, जबकि प्रीति के फ़ोन की 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी है। बाकी क्या बचा, बैटरी। बैटरी दोनों की 6000 mAh की है। मेरा फ़ोन Realme 7 है, जिससे ये वाला जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ Realme 7, और प्रीति का है Moto G60। यहाँ किसी फ़ोन की कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा, बस ये बता रहा कि प्रीति को कीमत में और फीचर्स में अपने से कम फ़ोन नहीं दिलवाया, बराबर है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं किस कलर का फ़ोन दिलवाया है। ग्रे नाइट ब्लू है इसका कलर, और बहुत ही पसंद आया प्रीति को ये वाला कलर। दो कलर में ये वेरिएंट उपलब्ध था तो ये वाला मैंने बुक कराया, बहुत अच्छा लगा प्रीति को ये, बहुत पसंद आया। ये इसका स्क्रीन वाला कवर उतार दिया प्रीति ने, देखिए कैसा दिखा। इसकी स्क्रीन भी बढ़िया है मेरे वाले फ़ोन से, लंबाई में ज़्यादा आयो। मेरे फ़ोन की शायद 6 इंच स्क्रीन होगी और ये है 6.4 शायद। और क्या क्या है इसके साथ, एक आया चार्जर और चार्जर और पिन है बस। अब ईयरफोन तो आता ही नहीं, ईयरफोन देती नहीं कंपनियाँ फ़ोन के साथ में, और साथ साथ प्रीति का मैं सिम भी ले आया। अब तो प्रीति का अपना खुद का नंबर होगा, जियो का सिम ले आया प्रीति के लिए। अब तो खुद का फ़ोन हो गया प्रीति का, और खुद का फ़ोन नंबर, अपने रिश्तेदारों से जब चाहे तब बात कर सके। नहीं तो कई सारे रिश्तेदारों को भी शिकायत रहती थी कि प्रीति तो फ़ोन ही नहीं करती, और प्रीति उनसे यही कह देती थी कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। अब कोई शिकायत नहीं कर पावे कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। खुश तो बहुत होंगे आज तुम हैं, वो जिसने तुम्हें आज तक फ़ोन नहीं दिलवाया, शादी के 4.5 साल बाद आज पहली बार फ़ोन दिलवाया है। तो देखिए प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, अपना फ़ोन पाकर प्रीति बार बार बहुत खुश हो रही है। वैसे मुझे खेद है कि इतने दिन लग गए मुझे प्रीति को एक फ़ोन दिलवाने में, कितने 4.5 साल लग गए, 4.5 क्या बल्कि 6 महीने पहले तो हम लोगों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, अगर उसे भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं एंगेजमेंट होते ही फ़ोन भिजवा दें अपने मंगेतर के पास। तो मैं तो पूरे 5 साल में 4.5 साल शादी को और 6 महीने एंगेजमेंट के, तो पूरे 5 साल में फ़ोन भी नहीं दिलवा पाया। वैसे शादी से पहले तो मैंने इसलिए नहीं दिलवाया कि पता नहीं ज़माना कैसा, पता नहीं आजकल का ज़माना कैसा है, फ़ोन हम दिलवाएं बात किसी और से करें कभी, इसलिए मैंने फ़ोन हम दिलवाएं रिचार्ज हम करवाएं और बात करें किसी और से, ये भी डर रहता है शादी से पहले। खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, या तो खाली एक हंसी मजाक की बात थी वैसे ही, जो ऐसे ही कह दी। बाकी प्रीति जितना काम करती है, जितनी मेहनत से और लगन से करती है, फ़ोन करने का तो टाइम ही काम बचता है, 12-1 बजे तक तो घर के काम निपटते हैं, तो जितनी मेहनत और लगन से घर के काम करती है तो फ़ोन तो डिज़र्व करती है। तो मैंने प्रीति के लिए ये एक मोबाइल फ़ोन बुक किया है, पता लेकिन शादी के बाद तो खैर मैंने देखा कि हाँ वास्तव में जब तक काम चला तो चला लिया, लेकिन अब जब ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही थी, काम नहीं चल रहा था तो फ़ोन दिलवाना ही पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 5-7-10 हज़ार रुपये का दिलवा दिया, बढ़िया फ़ोन दिलवाया, वैसा काम चला फ़ोन नहीं दिलवाया, जिसमें सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सारे फीचर्स बढ़िया हैं, ऐसा फ़ोन दिलवाया, और अपने वाले फ़ोन तक कम कीमत का नहीं दिलवाया। बराबर ही है, अपना फ़ोन पाक है। अब तो प्रीति देखो कितनी खुश है, मज़ा आया खूब, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। प्रीति के फ़ोन में अब सारे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर सेव कर दूंगा, कई सारे रिश्तेदारों की तो शिकायत रहे प्रीति बात भी नहीं करती, अब जब मन करे तब बात कर लिया, अगर रिश्तेदारों को भी नंबर दे देंगे लो भाई तुम्हें जब बात करनी हो तभी कर लिया करो। सबकी यह शिकायत रहे कि शादी तो सब लड़कियों की हुए, पर प्रीति ऐसी लड़की है जो सारी बात किसी से बात नहीं करती, किसी से संपर्क ही नहीं, फ़ोन ही नहीं था, अब फ़ोन आ गया तो बात हो करेगी धड़ाधड़, होगी नहीं अब तो बात, कुछ कह नहीं सकते नहीं, अब ना किसी को शिकायत का मौका दियो। अब तो थोड़े से रिश्तेदार हैं, इन्हें चुने इतने ज़्यादा थोड़े ही हैं,
एक दिन में दो जनों तो भी बात करो करोगे, एक हफ्ते में सब सब बात हो जाया करेगी, राजी खुशी ले लिया करो सबकी। बात करने की बात नहीं होती, थोड़ा सा ये है टाइम की बात है हमारा काम। वैसे तो प्रीति को काम इतने सा, प्रीति को क्या, हमारे घर में काम इतने हैं कि हर आदमी बिजी रहे, चाहे उसमें कोई हो, सुनील भाई है, मैं हूँ, बबली भाभी है, प्रीति है, चाचा पिताजी माँ, जितने भी आदमी, सबको काम इतना ज़्यादा रहे हैं कि फ़ोन की पहली बात तो फुर्सत मिलती ही नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरत की चीज़ है, तो फ़ायदे भी बहुत हैं इससे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो प्रीति को फ़ोन की थी, अब किसमें, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, क्योंकि बीएड हो जाओगी तो टेट और सुपर टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है प्रीति को, तो फ़ोन बहुत काम आवेगा, क्योंकि बाहर तो कोचिंग सेंटर जा नहीं सकते, ऑनलाइन ही कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेगी, उसी से पढ़ाई करेगी अपने घर पर रहते हुए। थोड़ा लेट होगा क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरा परसों है 24 में। चलिए पीटी का तो इतना वो नहीं है, वरना तो टीचर ही है, क्योंकि बीएड कर रहे तो आगे टेट और सुपर टेट की तैयारी करियो बढ़िया। ओ फ्रेंड्स, प्रीति तो बहुत खुश है अपना गिफ्ट पाके। आप लोगों को प्रीति का ये गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।